दिनहाटा कस्बे के झूरीपारा इलाके में जूट के गोदाम से पुलिस ने हाथ पैर बंधे एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। घटना गुरुवार देर रात की है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय मदन लाल मुद्रा के रूप में हुई है, जिसका घर राजस्थान में है। मदन लाल उस जूट गोदाम में मैनेजर का काम करता था। घटना की खबर मिलते ही दिनहाटा थाने में ICU सूरज थापर के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही दिनहाटा नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर माहेश्वरी रात में वहां पहुंचे और मदन लाल मुद्रा को उसके अंगों को बांधकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पहले से ही जियालाल नाम के एक सुरक्षा गार्ड की पूछताछ के लिए जूट गोदाम ले गई। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। फोन आसलो बेपार मदन बाबू के मेरे विलेज हॉस्पिटल दौड़े आसलम এখান থেকে আসার আগে আমরা চলে গেলাম হসপিটালে ওনাকে দেখতে। তো হসপিটালে যাই দেখি উনি মৃত অবস্থায় শুয়ে আছে। ওখান থেকে আবার এখানে আসলাম প্রায় 3:30টার দিকে। এখানে এসে দেখলাম সব ঘর লন্ডভন্ড। তো শুনলাম পারিপার্শ্বিকটির কথা, এর নাইট গার্ড থাকে। নাইট গার্ড বললো ওকে ধমকাইছে, মদনবাবুকে হাত পা মুখ সব বেঁধে রেখেছিলো। তারপরে ওরা চলে যাওয়ার পর ও চিল্লাচিল্লি করে পাশে যে বাইর লোক আছে তাকে ডেকে দিয়ে আসছে। ও আর এক জায়গায় খবর দিচ্ছে, ওখান থেকে পুলিশ পার্টি আছে, পুলিশ পার্টি হাতপা চলে আসে খবর পাওয়া মাত্র তোরা তারা সেই ভোরবেলা থেকে তাদের তদন্ত করছে। পুলিশ প্রশাসন সকাল থেকে সচেষ্ট হয়ে আছে ঘটনার কিনারা করার জন্য। R9 ভারত কে দেবাশিস চক্রবর্তী কি রিপোর্ট, কোচবিহার। ये पहला मौका है जब चोपड़ा प्रखंड के सोनापुर हाट प्राथमिक विद्यालय में हिंदी प्राकट अंचल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विकास परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई और संगठन को इससे मजबूत करने का आह्वान किया गया। आपने पूछे दिले ना थोड़ा। आज के जो हम लोगों का हिंदी भाषी सोनापुर अंचल का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, इस सम्मेलन के माध्यम से हिंदी भाषियों के पास हम लोग तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से एक ही आह्वान कर रहे हैं। जो बंगाल की जननेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, जिन्होंने हिंदी भाषी के विकास के लिए सुबह से लेकर रात्रि तक प्रतिज्ञाबद्ध है। उन्होंने 2021 में सरकार बनने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में 200 हिंदी प्राइमरी स्कूल स्थापित होने जा रहा है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में जितने भी बच्चे BEd और DEd करेंगे, उन लोगों का जो प्रश्न पत्र जो है सब हिंदी में प्राप्त होगा। इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या जनरली कर्म संस्थान के क्षेत्र में हो, हर चीज में दीदी का विकास चारों तरफ है। तो आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन से हम लोगों ने एक ही आह्वान कर रहे हैं, जो और चारों तरफ जितने भी हिंदी भाषी समाज दायित्व मिला है, कैसे दल को मैंने कैसे प्रत्येक बूथ में जाकर संगठन बनाकर मजबूत करेंगे संगठन को, संगठन हिंदी प्रकोष्ठ को और ज्यादा मजबूती में लेकर वो बाहर चलाएंगे। संगठन को किस तरह आगे लेके जाइएगा, मतलब हर जितने बूथ भाई जितना भी है सब जगह जाएंगे, सब जगह संगठन हिंदी का अंचल बूथ प्रचंड बनाएंगे, बनाने के बाद संगठन को आगे ले जाएंगे। हमारे सोनापुर अंचल में प्रथम बार सोनापुर अंचल हिंदी प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ, एक आज तक कभी पहले नहीं हुआ था। प्रथम बार इस सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे जिला के अध्यक्ष अरविंद सिंह जी उपस्थित हुए हैं, हमारे आनंद झा महासचिव जिला के महासचिव, और हमारे सोनापुर पंचायत में हिंदी भाषी भाषा भाषी का संख्या बहुत ज़्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए आज ये सम्मेलन अनुष्ठित किया गया है और इस अंचल का हिंदी प्रकोष्ठ का अंचल सभापति हमारे अरविंद ओझा जी को अनुरोध किया गया है, उनसे अनुरोध करूँगा। अभी वो पूरे अंचल में घूम के हिंदी भाषाभाषी के लिए अंचल कमेटी गठन करके हिंदी भाषाभाषी को आगे बढ़ाएंगे। R9 भारत के लिए अमित जीवन रॉय की रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल।